हाय एवरीवन, माई सेल्फ दीपक त्रिपाठी। प्रेजेंटली आई एम परसिंग MBBS एट NSC मेडिकल कॉलेज जबलपुर। गाइज, यह वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो नीट काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट करने जाने वाले हैं। तो गाइज, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नीट काउंसलिंग से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं रिक्वायर्ड, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज, यदि आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट कम है तो आप जाके बनवा लीजिए, क्योंकि आपको जब कॉलेज अलॉट होगा तो कॉलेज अलॉट होने के बाद आप कॉलेज में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के टाइम में आपको पूरे एक डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट कम होता है तो आपका एडमिशन रुक सकता है और आपकी मेहनत, जितनी आपने मेहनत की है अभी तक सेलेक्शन पाने के लिए, वो पूरी बर्बाद हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों, और बेल आइकन को दबाना ज़रूर मत भूलिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है? नीट रजिस्ट्रेशन कार्ड। नीट रजिस्ट्रेशन कार्ड जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा नीट फॉर्म के लिए, वो उसके बाद नीट एडमिट कार्ड प्लस नीट एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल। जो मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊँगा ना, सबकी ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी तो ठीक है, 3-4 फोटोकॉपी तो लगनी है प्लस, बट आपको पूरे डॉक्यूमेंट एक ओरिजिनल उसमें होने चाहिए। प्लस आपको क्या करना है, 30 प्लस ही पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहने चाहिए, 30 से ज़्यादा, 30 से तो कम होनी नहीं चाहिए। हो सके तो आपको 40-50 फ़ोटो रख लेनी चाहिए, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज। और कौन सी फ़ोटो, जो आपने नीट में एडमिट कार्ड में लगाई हुई वही वाली फ़ोटो चलेगी, ठीक है ना। प्लस 2 पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो, ठीक है ना, वही नीट वाली फ़ोटो ही, ठीक है ना। उसके बाद क्या, आपको जो नीट रिजल्ट का जो रैंक लेटर होगा वो, उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मतलब जो आपको अलॉटमेंट लेटर होगा कि आपको अगर कॉलेज अलॉट हो गया है ना, तो उसमें आपका कॉलेज नाम दिया रहेगा, वो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होता है, ठीक है ना। वो आपको साइट से, DME MP ऑनलाइन की साइट से जाके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, 10th और 12th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट किस लिए, बर्थ, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है ना। फिर आपको आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए आपको, TC चाहिए, TC के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्लस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लिए रहिएगा, लग सकता है, क्लियर। उसके बाद क्या बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है कि डिजिटल, मतलब जो है ना, डिजिटल रहना चाहिए। यदि आप क्या बोलते हैं कि मोर देन 18 ईयर है, तो आपका खुद का होना चाहिए। तो आप ये जाके मतलब तहसील में अपने एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो आप वहाँ से जाके बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जनरल के लिए नहीं, ST SC OBC वालों के लिए है, ठीक है ना। और इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र आपको प्रेजेंटली बनवाना है, मतलब एक दो महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो आपको प्रेजेंटली बनवाना है। उसके बाद क्या है, गैप सर्टिफिकेट मतलब की किया कि आपने, मतलब जैसे क्या होता है कि 12th फ्रेशर वालों के लिए ये नहीं है, जैसे आपने 12th के बाद कितने साल गैप लिया, उसके बाद आपको एडमिशन ले, सपोज दैट मान लीजिए आपका 12th 2018 में होता है और आपका सिलेक्शन 2020 में, तो मतलब क्या कि आपका गैप है जो, ठीक है ना, तो ये गैप का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जाके आप उसमें कोर्ट में जाके बनवा लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, सीट लिविंग बॉन्ड भी क्या, जब आप क्या होता है उसका प्रोफार्मा आएगा, ठीक है ना। जैसे ये सीट लिविंग बॉन्ड हो गया, रूलर बॉन्ड हो गया, इनका प्रोफार्मा आएगा, जो मतलब आपको नहीं पता तो आप जाके DME MP ऑनलाइन की साइट में जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद सबका इनका प्रोफार्मा होगा, तो आप जाके वो उसको डाउनलोड करके उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें बनवा लेना है, ठीक है ना। उसके बाद रूलर बॉन्ड क्या होता है, 1 साल का रूलर बॉन्ड होता है, मेरा 1 साल का ही रूलर बॉन्ड है। उसके बाद क्या होता है, मेधावी छात्र होते हैं ना, तो उनके लिए क्या रहता है, 2 साल का रूलर बॉन्ड रहता है गवर्नमेंट के लिए, और प्राइवेट के लिए 5 ईयर का रूलर बॉन्ड होता है, क्लियर। तो इसका भी प्रोफार्मा आएगा जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो DME MP ऑनलाइन की साइट में आपको प्रोफार्मा मिल जाएगा, क्लियर। उसके बाद ईडब्ल्यू एस सर्टिफिकेट जो एलिजिबल हैं, तो इसलिए आप क्या, ईडब्ल्यू एस सर्टिफिकेट तो एलिजिबल है, तो आप जाके तहसील में, अपने जो भी आपकी तहसील होगी वहाँ जाके एक बार आप इसका कन्फर्म कर लीजिएगा, क्लियर। ये 10% जनरल का रिजर्वेशन रहता है, तो इसलिए इसमें फ़ायदा रहता है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आप जाके वो तहसील में आप संपर्क कर लीजिए, क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि PH SN FF सर्टिफिकेट, PH मतलब फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, SN मतलब सैनिक वाला जो रहता है कोटा, आर्मी कोटा, या फिर फ्रीडम फाइटर वाला, तो इसका सर्टिफिकेट, ठीक है ना, जो एलिजिबल है उनके लिए, तो इसका सर्टिफिकेट देखो क्या रहता है कि इसके लिए जो PH के रहते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट जो रहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उससे प्रमाण पत्र मिलता है, तो ये आप जाके ये
और इसका कंफर्म नेपियर टाउन में जबलपुर में होता है ऐसा लिखा गया है, ठीक है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लाइन है, ठीक है ना। तो ये लाइन है, बाकी जैसे देखो फ्रीडम एसएन के लिए वालों के लिए ये लाइन है, इसको आप समझ लीजिएगा हिंदी में। और जो फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर के लिए ये है, क्लियर। फ्रीडम फाइटर के लिए कलेक्ट्रेट से होता है, तो आप जाके वो एक बार कंफर्म आप जैसा भी होगा तो वो जाके आप वहाँ पे बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पीएच के लिए क्या है, सैनिक वालों के लिए क्या है। तो एक बार जाके आप वहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा, और हो सके तो आपकी जो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट सेक्शन में जाके एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि ये इतना एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है ना। मुझे मतलब ये है कि इसका पूरा मतलब आप पहले से कंफर्म रखिए, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर डॉक्यूमेंट एक भी आपका गड़बड़ हो गया तो मतलब पूरा साल ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट के लिए जितने मैं डॉक्यूमेंट बनाया हूँ वो तो आप कंप्लीट रखिए और पहले से, प्लस आप चेक करते रहिए जो डीएमई एमपी ऑनलाइन की साइट है उसमें डॉक्यूमेंट का एक आएगा, वो उसको चेक करते रहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब मैंने क्या किया था, जब मेरी एडमिशन हुआ था तो उसमें बीच बीच में कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे थे ना कि एमपी गवर्नमेंट ने बीच में वो किए थे, तो अगर जो अपडेटेड नहीं रहेगा ना उसको क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अपडेटेड रहिए डीएमई एमपी ऑनलाइन की साइट, जो अभी अभी तो नहीं खुली है, जैसे ही मतलब काउंसलिंग की पूरी आती है इन्फॉर्मेशन तो डीएमई एमपी ऑनलाइन 2020 खुल जाएगी नीट काउंसलिंग से, उसमें आपको पूरा मतलब ये कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का एक अपडेटेड वर्जन आ जाएगा, तो आप वहाँ से चेक करते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है ना। बट ये जितने मैं डॉक्यूमेंट बोला हूँ ये आप पूरे कंप्लीट रखिए, प्लस एक और क्या रखना है, एक ये बनवाना है कि आप मतलब कि पर्टिकुलरली एमपी डोमिसाइल के ही हैं, अदर स्टेट के नहीं हैं, तो एक घोषणा संबंधित पत्र बनवाना है, ठीक है ना। तो इसको भी आप जाके जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोड कोई भी हो तो आप वहाँ जाके बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए, क्योंकि अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन रुक सकता है। सपोज मान लीजिए कि आपने बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करके गई और आपके सपोज मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना, तो फिर आपको रिटर्न होना पड़ेगा और काउंसलिंग की डेट चली गई, तो फिर इसमें बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जाके पहले से ही रखिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट, बाकी आप डीएमई एमपी ऑनलाइन में उसमें अपडेटेड रहिए कि क्या कैसा है, मतलब कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट तो नहीं लग रहे। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बाकी तो ठीक है, आपने नंबर ला लिया, नीट में सेलेक्शन कर लिया, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए, बट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आप क्या, आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए आप पहले से पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर रखिए, क्लियर। और जो ये मैंने नीट रजिस्ट्रेशन कार्ड है ये इतना ज़रूरी नहीं है, बट इसको लिए रहिए, क्लियर, क्योंकि हमारे टाइम में ये लगा था, क्लियर। तो ये सब कुछ रहा गाइज। सो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ज़रूर मत भूलिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।